गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 दिन हिंदी व्याकरण के पार्ट ए की वीडियो भेजी ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें। तो आशा है कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा। आज मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है भाषा किसे कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की भाषा है, अर्थात हम भाषा जो है वो हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। तो उसके लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके व्यवस्थित क्रम को भाषा कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि कोई भी शब्द भाषा तभी बनता है जब उसका कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई भी भाषा नहीं हो सकती। तो भावों और विचारों की अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करना के लिए प्रयुक्त ध्वनियों की व्यवस्था, यानी जो भी हम ध्वनि बोलते हैं उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे का माला कमल है तो उस कमल का अर्थ है फूल, सड़क का सड़क है तो उसका अर्थ है सड़क, आदर का अदरक है तो उसका अर्थ एक सब्जी से होता है। और यदि हम इस व्यवस्था को आगे पीछे कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए ध्वनियों की व्यवस्था होना उचित है, उसको ही हम भाषा कहते हैं। दूसरा है राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा क्या होती है? किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन, यानी कि सरकार जो हमारी लिखने के लिए, जो हमारी कामकाज के लिए है, जो भी भाषा इस्तेमाल करती है उसके द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी उसके कार्य के लिए भाषा स्वीकार की गई है उसको कहते हैं राजभाषा। तो दोबारा से इसको मैं बताती हूँ, किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है, सरकार के द्वारा ये स्वीकृत होती है, इसीलिए इसी भाषा का उसका काम होता है, वो होते हैं राजभाषा। तीसरा क्वेश्चन है भाषा के लिखित रूप का महत्व बताइए, यानी कि भाषा को जो लिखित रूप है, लिखित मतलब जब हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, जो हम बताना चाहते हैं सामने वाला उसको पढ़कर समझना है, तो उसका क्या महत्व है? उसका ये महत्व होता है कि अभी मैं आपको उत्तर पढ़ के बताती हूँ, फिर समझाती हूँ। भाषा के लिखित रूप द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर, यानी कि अगर हमारा ज्ञान, हमारी जो नॉलेज है वो अगर लिखित रूप में नहीं होगी तो हम उस बात को अपनी आने वाली जनरेशन या आगे आने वाली पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएंगे। बच्चों, पुस्तकें इसी चीज का उदाहरण है, क्योंकि अगर वो ज्ञान पुस्तक में नहीं होगा तो आप उस ज्ञान को जान सकते हैं या आप उस ज्ञान को आगे तक पहुंचा सकते हैं नहीं। तो जो भी अभी विगत में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो उसके लिए उनका लिखित रूप में होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना लिखे आप किसी भी चीज को आगे तक नहीं पहुंचा सकते। और वो ज्ञान पुस्तकों के रूप में या समाचार पत्रों के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में आप तक पहुंचता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिपि से क्या तात्पर्य है। मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है, बोली जाने वाली हर ध्वनि, यानी जो भी ध्वनि आप बोलते हैं उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में आप जो भी बोलते हैं, आप भाषा बोल रहे हैं, इसमें आप बहुत सारे वर्णों का स्वर व्यंजनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें का ख ग सब आता है, लेकिन अगर उसको लिखने के लिए कोई चिन्ह नहीं होगा उसके लिए तो आप उस भाषा को लिखित रूप नहीं दे सकते। तो उन चिन्हों को लिखने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, लिपि। उसके बाद आते हैं हम अपने प्रश्न 5 पर, व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। क्यों होता व्याकरण का अध्ययन? वो हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि हम व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्योंकि व्याकरण जो होता है वो भाषा को व्यवस्थित करना सिखाता है। तो व्याकरण के द्वारा ही वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी मिलती है,
वाक्यों को और शब्दों को किस